नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्य पे सत्ता, यानी सात खबरें, दिलचस्प जानकारियां, सब कुछ एक साथ। आज आपको सत्ता के कलेश का टोंटी राउंड दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज समाजवादी पार्टी पर टोंटी वाले जुबानी तीर चलाए, साथ ही खटाखट और टकाटक के बाद नेताओं के सियासी शब्दकोश में एक नई एंट्री हुई है, जिस पर सत्ता की दिलचस्प वीडियो रील आपको जरूर देखनी चाहिए। सत्ता के इसी कलेश के बीच आज इंडिया गठबंधन का पीएम वाला फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि अलायंस में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, पीएम उसी का होगा और इसका ऐलान नतीजों के तुरंत बाद किया जाएगा। वैसे चुनावी ऋतु में बढ़ते बयान बहादुरों से चुनाव आयोग बहुत नाराज है और उसने कांग्रेस और बीजेपी को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की लिस्ट में सेना, समाज, धर्म और संविधान जैसे मुद्दों पर बयान देने से रोक लगाने को कहा गया है, लेकिन नेता मानेंगे? अब ये तो आपको समझ में आता ही जाएगा। एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए, जो असंवैधानिक है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं है। वो सड़कों पर आ गई। बढ़ती गर्मी के बीच आज दिल्ली में बिजली की खपत का रिकॉर्ड टूट चुका है। दोपहर 3:42 पर दिल्ली में पहली बार पावर डिमांड 8000 मेगावाट के पार। वैसे सत्ता में देश के दुश्मनों को हाई वोल्टेज करंट देने वाली खबर भी है। इंडियन आर्मी को जल्द महाभारत और रामायण वाला विजयी भव सूत्र मिलने वाला है। सेना के जवान अब प्राचीन ग्रंथों से युद्ध जीतने का फॉर्मूला सीखेंगे। इस पर भी हमने एक सत्ता की कुंजी तैयार की। और पुतिन के रूस में से 89 सेकंड्स का एक एटमी वीडियो आया है, जिसमें रूस के हथियारों का परमाणु प्रस्थान है। इस वीडियो को देखने के बाद यूक्रेन में खतरे वाले रेडिएशन बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, यह भी आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन शुरुआत आज की जो बड़ी खबर है उससे हम करने जा रहे हैं। लेकिन सत्ता में अब ध्यान से देखिएगा, उन 229 लोगों से हम आपको खबर की शुरुआत कर रहे हैं जिनका 37,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 3 मिनट में साक्षात मौत से सामना हुआ। ये तस्वीरें देखिए, और इनमें एक बुजुर्ग ऐसे भी थे जो मौत के टर्बुलेंस में जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन असल में यह खबर 229 लोगों की नहीं बल्कि उन न्यूज मित्रों की भी है जो आए दिन प्लेन से सफर करते हैं, या फिर वो लोग जो प्लेन से सफर करना चाहते हैं। यह खबर सिंगापुर एयरलाइंस की उस फ्लाइट की है जो 21 मई की रात करीब 3:45 लंदन से टेक ऑफ करती है। एक बोइंग विमान था वैसे ये। 10 घंटे तक फ्लाइट में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन तभी म्यांमार के आसमान में फ्लाइट के अंदर जो हलचल शुरू होती है उसे महसूस करके सभी यात्रियों की जान अटक जाती है। अचानक एयर टर्बुलेंस की वजह से जो विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होता है, वो सिर्फ 3 मिनट में 31,000 फीट तक का नीचे डिक्लाइन पर आता है। प्लेन में बैठे 229 लोगों को लगता है कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। बस थोड़ी देर में प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन तभी विमान में हलचल कम होती है। लेकिन सिर्फ इन 3 मिनटों में एक 73 साल के शख्स की मौत हो जाती है, 30 लोग घायल हो जाते हैं और फ्लाइट के अंदर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है चीजें। यूजुअली एयर टर्बुलेंस की वजह होती है बादल, यूजुअली। और इन्हीं बादलों से बचने के लिए जो सिविलियंस एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो काफी ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं, 37,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए अगर वहां पर भी बादलों से सामना हो जाए तो फिर क्या होगा। अब हम आपको उसी विमान के अंदर लेकर चलते हैं जो हवा में 229 यात्रियों के साथ 3 मिनट के लिए दहशत का पर्याय बन गया था। इस विमान की हालत देखकर कोई भी चौंक जाएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स उखड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए। प्लेन के नीचे बिखरा हुआ सामान देखिए। आगे बढ़ने पर आपको जगह जगह ऑक्सीजन मास्क लटके हुए नजर आएंगे। कई जगह इस प्लेन में खून भी लगा है और सारा सामान नीचे बिखरा हुआ है। दावा है कि जब यह प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई से 31,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आया, तब इसमें कई यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसीलिए वो अपनी सीट से इधर उधर गिरने लगे। किसी का सिर लगेज कंटेनर से टकरा गया, ऑक्सीजन मास्क खुल गए, कई लोगों को ये मास्क तक पहनने का मौका नहीं मिल पाया और इसी एयर टर्बुलेंस में एक यात्री की मौत हो गई। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। अब हम आपको फ्लाइट के अंदर हुए टर्बुलेंस टेरर की 7 तस्वीरें दिखाते हैं।
जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे विमान में बैठे सभी यात्रियों को 21 मई के दिन एक नई जिंदगी मिली। आइए तस्वीर नंबर वन, प्लेटॉन, यह है तस्वीर नंबर वन। पहले ध्यान से देखिए, आप खुद मुझे देख के बताएं, जूम इन करिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ सामान गिरा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लटके हुए हैं, ये ऐसे लटके हुए हैं जैसे ये विमान कहीं सीधे क्रैश करने वाला है। सोचिए, फ्लाइट में निकले ऑक्सीजन मास्क, तस्वीर नंबर वन। तस्वीर नंबर टू, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एयर टर्बुलेंस की वजह से जो खाना रखा जाता है, फ्लाइट में खाना होता है, और ये पायलट के कॉकपिट के पास होता है। बड़ी फ्लाइट में ये दो तीन जगह होता है, बेसिकली एक एक केबिन्स बने रहते हैं, वहां पर होता है। ये पूरा नीचे आ गया, बावजूद इसके कि ये खाना जिन कंटेनर्स में यहां पर होता है ये सब लॉक्ड होते हैं। 37,000 फीट से 31,000 फीट तक अगर कोई विमान आ रहा है तो ये होगा। तीसरी तस्वीर जरा दिखाइए, तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अब, वो ये देखिए आप जरा, ये अपेरेंटली तस्वीर ली गई है जब वहां पर चीजें सेटल डाउन हो गई, तो यात्रियों के चेहरे पर जो दहशत है और जो तनाव है और वो कैसे इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ये देखिए आप जरा, यहां पर सब चीजें यहां पर बिखरी हुई हैं। अपेरेंटली इसमें कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ चेहरे आपको दिख जाएंगे ऐसा कहा जाता है। ये देखिए, ये सब कुछ चीजें, बॉक्स वगैरह जो है, बल्कि ये ऊपर वाला जो लगेज कंटेनर होता है वहां से चीजें नीचे, इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ गए। अब मैं आपको चौथी तस्वीर दिखा रहा हूं, चौथी तस्वीर। अब एयर होस्टेस जो है ये वो घायल हो गई है एयर होस्टेस में यहां पर, और ये मेल स्टीवर्ड यहां पर थे, ये घायल हो गए, और इनके नीचे जो मैंने आपको बताया ये सारा सामान किस तरीके से बिखर गया, हो सकता है उस वक्त, हो सकता है उस वक्त खाना दिया जा रहा हो, कि रात का वक्त था, लेकिन इनके घुटनों में, पैरों में चोटें भी आई। पांचवी तस्वीर दिखाइए जरा, एयर टर्बुलेंस से नीचे गिरा सामान, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन ये देखिए, ये फूड की जो वहां पर अलग अलग पानी की बोतलें हैं ये सब नीचे पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आइए राहुल, चेंज करिए, ये देखिए। अब छठी तस्वीर है इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट होता है, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये फ्लाइट में किस तरीके से क्योस था जब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स नीचे गिरे। फिर सातवीं तस्वीर, ये चिंताजनक है, 73 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी मौत हो गई, 30 लोग इसमें घायल हो गए। तो ये था हाल, देखा आपने किस तरीके से वहां पर परिस्थिति बदल जाती है और एयर टर्बुलेंस की वजह से क्या कुछ हो जाता है। आज सत्ता में अब आपको उन लोगों की टर्बुलेंट गवाही दिखाने वाले हैं जिन्होंने 37,000 फीट की ऊंचाई पर इस खौफ का सामना किया। उनकी बातों को सुनकर आपको एहसास होगा कि फ्लाइट का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जल्दी ये समझा देते हैं कि आखिर ये फ्लाइट टर्बुलेंस होता क्या है और क्यों होता है। दरअसल जब कोई विमान हवा में उड़ान भरता है तो कई बार जो हवा विमान को उड़ने में मदद करने वाली होती है उसमें अचानक से दबाव आ जाता है और उसकी रफ्तार और दिशा बदल जाती है। इससे अनियंत्रित और तेज हवा विमान के पंखों से टकराने लगती है, इसीलिए उड़ान के दौरान एयर टर्बुलेंस से प्लेन हवा में ही डगमगाने लगता है। कई बार बहुत सीवियर यानी गंभीर टर्बुलेंस होने पर प्लेन कई फीट नीचे आने लगता है, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हुआ, और ऐसी स्थिति में यात्रियों को लगता है जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है, और एयर टर्बुलेंस की वजह से पहले ही कई हादसे भी हो चुके हैं। कैसे टर्बुलेंस की वजह से इस प्लेन में बैठे यात्रियों की जान अटक गई, ये रील जरूर है। We are deeply saddened by this incident. It has resulted in one confirmed fatality and multiple injuries. I think happened within the span of like less than 10 seconds. Like it was really, really quick. That, which is why like I think nobody could really respond to it. I was in my chair and I think I was resting at that point, but I was belted in and you could start feeling that the airplane was entering some kind of turbulence. So the plane starts shaking, getting worse and worse and worse. So
So a lot of people were injured, and a lot of people were very slow people. So yes, it's really, but it was absolutely highlights, it's really important to receive my tail at any time. And honestly, I didn't understand at all the full scale of what happened until we landed. Like, I didn't realize the things that broke within the airplane. I thought it was just the oxygen masks coming out and then popping out the panel. But in fact, like, heads had literally pushed through and broken those plastic panels. And like, there's blood. Yeah, look, one huge loud noise. Things were coming through the ceiling, water everywhere, people crying. It wasn't a fun, in a lot of pain. And it was quite scary, but yeah, I don't think I'll be flying again for a while. आज हमने फ्लाइट वाले इस एयर टर्बुलेंस पर सत्ता की दिलचस्प कुंजी भी तैयार की है। दरअसल तीव्रता के लिहाज से टर्बुलेंस तीन तरह के होते हैं, यानी इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। पहली श्रेणी में हल्के टर्बुलेंस आते हैं, जिसमें प्लेन एक मीटर तक ऊपर नीचे होता है और कई बार यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलता है। दूसरी श्रेणी में मध्यम टर्बुलेंस होते हैं, इसमें प्लेन 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे हो सकता है और इस स्थिति में प्लेन में खाना और ड्रिंक्स गिर सकते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी जो है वो खतरनाक है, टर्बुलेंस खतरनाक होते हैं, इसीलिए इसे गंभीर टर्बुलेंस कहा जाता है। इसमें प्लेन 30 मीटर तक ऊपर नीचे होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी यात्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हो तो खतरनाक हो सकता है, यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है, जैसे इस विमान में के 30 यात्रियों के साथ हुआ। इसके अलावा गंभीर टर्बुलेंस में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह, जितने भी लोगों का इंटरव्यू आपको हमने दिखाया, सभी ने कहा था कि बगैर वार्निंग के ये हुआ। बगैर वार्निंग के ये होता है तब भी जब ऑटोमेटेड मोड पर प्लेन रहता है कुछ समय के लिए, पायलट इसको ऐसा कर देते हैं और किसी को अंदाजा नहीं है, इसमें पायलट की भी गलती नहीं होती है। लेकिन क्या एयर टर्बुलेंस का क्लाइमेट कनेक्शन भी हो सकता है? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से एयर टर्बुलेंस के मामले बढ़े हैं? दरअसल कई विशेषज्ञों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ने के साथ ही विमानों में टर्बुलेंस की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन के कारण ऊंचाई पर हवा गर्म हो गई है, जिससे उसकी रफ्तार बदल गई है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में यह भी बताया गया है कि नॉर्थ एटलांटिक विमान मार्ग पर वर्ष 1979 से 2020 के बीच टर्बुलेंस के मामले 55% बढ़े हैं। इतना ही नहीं, टर्बुलेंस के कारण एयरलाइंस कंपनियों को भी हर साल काफी नुकसान होता है। अमेरिका में टर्बुलेंस के कारण विमानों को होने वाले नुकसान से कंपनियों को हर वर्ष $50 करोड़ यानी करीब 4,161 करोड़ का घाटा होता है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सत्ता की, जिसमें नेताओं के शब्दकोश को एक शब्द ने हाईजैक कर लिया है। शब्द है खटाखट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में खटाखट शब्द का इस्तेमाल शुरू किया था, जिसके बाद से नेताओं के भाषण में खटाखट शब्द ओवरफ्लो होने लगा है। भाषणों में इसकी ओवर सप्लाई हो रही है, पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी यादव तक, जिसे देखो वही खटाखट खटाखट बोले जा रहा है। और सिर्फ खटाखट ही नहीं, बल्कि खटाखट फैमिली के शब्द भी नेताओं के जुबान पर हावी हो रहे हैं। अगर नेताओं के खटाखट वाले शब्दकोश की बात करें तो ये देखिए, खटाखट, फटाफट, ठकाठक, टकाटक, और आगे भी है सटासट, टनाटन, ये थोड़ा ऑफ कट हो गया, लेकिन गटागट ये मैच करता है, सफाचट ये भी है। कौन होगा इलेक्शन के बाद सफाचट? लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे शब्द करीब करीब हर रैली में गूंज रहे हैं, आज शब्दकोश में तेजस्वी यादव ने यही ऑफ कटर जोड़ा है, टनाटन, टनाटन शब्द जोड़ दिया है। कुल मिलाकर अगर शब्द खटाखट, अब शब्द खटाखट शब्द की राजनीतिक यात्रा देखें तो यह राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने गरीबों के खाते में 1,00,000 रुपए डालकर खटाखट गरीबी खत्म करने की बात कही थी। इसके बाद पीएम ने इसे आगे बढ़ाया और कहा कि 4 जून को नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के शहजादे छुट्टी मनाने विदेश निकल जाएंगे, खटाखट। इसके बाद वो तो अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर और तेजस्वी यादव सभी खटाखट वाले शब्दकोश को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया
8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। एक करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1,00,000 रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। हमें जो करना है हम करेंगे, पैसा में ठकाठक 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 डालूंगा। जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे तो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे गटागट गटागट गटागट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट, तो माहौल एकदम टनाटन है ना। हम टनाटन टनाटन टनाटन। देखिए हमारी रील्स भी बड़ी टनाटन है, आप उनको खूब शेयर किया करिए। अब आगे बढ़ते हैं खटाखट अगली खबर की ओर। चुनाव प्रचार की बात करते हैं, जो एक लंबी और थका देने वाली यात्रा तय करके अब अपने आखिरी दौर में प्रवेश करने वाला है। कल पांचवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। कल से चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के पास सिर्फ 8 दिन होंगे और कल के बाद सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव प्रचार बाकी रह जाएगा। लेकिन इससे पहले आज खूब सियासी फायरिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में सभाएं की, राहुल गांधी ने हरियाणा में अलग अलग जगहों पर सभाओं को संबोधित किया, गृह मंत्री अमित शाह का फोकस आज पश्चिम बंगाल में था, जबकि प्रियंका गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन आज सबसे तीखा मुकाबला उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां एक तरफ पीएम मोदी थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव थी। पीएम मोदी ने आज फिर से एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर सवाल उठाए और कहा कि शहजादों की जोड़ी फिर लॉन्च हुई है, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें जो शहजादे कहते हैं उनको इस बार शह भी मिलेगी और मात भी। अखिलेश यादव ने 79 सीट जीतने वाले दावे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और कहा कि लोग दिन में सपने देखते हैं, तो जवाब में अखिलेश बोले कि अब तो 80 में से 80 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में हुए हंगामे पर चुटकी ली, कहा कि कांग्रेस और एसपी पैसे देकर लोगों को बुलाती है, इसीलिए जब ये पैसे नहीं देते हैं तो वो मंच पर चढ़ जाते हैं। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है, वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार। ये फ्लॉप फिल्म वही पुराने किरदार वही पुराने डायलॉग। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार, कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं,
मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर थी तो हरियाणा की एक रैली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और दावा किया कि पीएम मोदी राजा हैं और वो देश के बेटे हैं। इसके बाद पीएम ने भी यूपी के श्रावस्ती में इसका जवाब दिया और कहा कि वो तो गरीब माँ के बेटे हैं, किसी शाही खानदान से नहीं। मैं राजा नहीं हूं भैया, राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया है। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपने देश को इतना मजबूत करने बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सके। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये सुनना ही नहीं चाहते हूटर जी हमारी खबर। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, हमारी रील्स को शेयर करते रहिए, TV9 को देखते रहिए।